अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से आलू और मटर के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है, कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया, ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो गया है, दो अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है, प्याज ऐड कर दिए हैं, प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं, दो अदद बारीक चॉप किए हुए इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 4 से 5 मिनट मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 1/2 कप मटर ऐड कर दिए हैं, 3 अदद आलू ले लिए थे, इन्हें कट कर लिया है, आलू ऐड कर दिए। अगर आपने आलू को बारीक चॉप करना है तो आप बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल ये आलू मटर की रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के जो है बनकर तैयार होते हैं। 1.5 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ताकि आलू और मटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक इस पॉइंट पर और भी ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए अब हम कवर करके रख देंगे। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आलू और मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।